इतनी रात से? दिन में तो कभी फोन की घंटी बजती नहीं, इतनी रात को हमें कौन याद कर रहा है? हेलो, कौन? हाँ कहिए, लेकिन आप कौन बोल रही है? बेटा, 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 श्रेया बेटा, उठो। माँ, सब ठीक है ना? श्रेया, लैंडलाइन पर तुम्हारे लिए फोन आया है, बात कर लो। लैंडलाइन पे? पापा? हेलो? मुसीबत में है वो। दिव्या, श्रेया, श्रेया, दिव्या, श्रेया, ये खून, ये क्या हुआ? दिव्या बताओ ना, क्या हुआ? ये खून कैसे निकला? श्रेया, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन श्रेया तुम पहले मुझे किसी ऐसे इंसान से मिलवाओ जिस पर तुम पूरा भरोसा कर सकती हो। हाँ दिव्या, लेकिन बताओ तो सही क्या हुआ? श्रेया प्लीज। दिव्या, ये लो। थैंक यू सर। बोलो दिव्या, क्या बात है? देखो, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम यहां पे सुरक्षित हो। बताओ क्या हुआ? दिव्या डरो मत, जो भी है सब दया सर को बता दो, तुम इन पर पूरा भरोसा कर सकती हो। आज जब मैं अपने घर पहुंची तो मैंने देखा, दरवाजे का ताला तोड़ा नहीं गया, लगता खूनी इन लोगों को पहचानता था। या फिर खूनी के पास घर की चाबी हो। ये भी हो सकता है, लेकिन इन लाशों को फॉरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो, घर के बाहर जाके चेक करो, देखो कोई सुराग मिलता है क्या। तीनों लोगों को चाकू से ही मारा गया। दिव्या, तुम्हारे पति की या सास ससुर की किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, उनका कोई दुश्मन नहीं था। मेरी शादी को अभी सिर्फ 3 ही महीने हुए थे, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। नहीं तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्यों होंगे। दिव्या, हम लोग समझ सकते हैं कि तुम पर क्या बीत रही है, पर खूनी को पकड़ने के लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। ठीक है सर, मैं सब कुछ बताऊंगी। कल रात को जब मैं एक फंक्शन से घर लौटी, ये दरवाजा कैसे खुला है? Oh!
क्या श्रेया, तुम बहुत परेशान दिख रही हो। सर मुझे दिव्या के लिए बहुत बुरा लग रहा है। इसे जिंदगी में कभी खुशी नहीं मिली। कॉलेज में एक बॉयफ्रेंड था इसका, जो एक्सीडेंट में मारा गया, और अब शादी के 3 महीने बाद ही ये विधवा हो गई। दिव्या, खूनी के बारे में हमें कुछ और बता सकती हो? कोई खास बात? हाँ सर, उसके हाथ पर एक टैटू था, ड्रैगन टैटू था, तलवार के साथ। ड्रैगन का टैटू? तुम इसका डिजाइन याद है? उस टैटू का स्केच बनवा सकती हो हमारे लिए? गुड। सर गार्डन में से ये मैच बॉक्स मिला है सर, वहां पे बहुत सारा खून पड़ा हुआ था सर, और ये इस पत्थर पे भी खून लगा हुआ है। ये जब मैं रात को घर से बाहर भागी, प्लीज छोड़ दो मुझे, जाने दो। तो फिर हो सकता है ये खून उस हमलावर का हो, और इस मैच बॉक्स पे भी होटल का नाम लिखा हुआ है, होटल सी पर। अभी हाल ही में ये माचिस तुमने किसी को दी थी, याद करो। नहीं सर। नहीं, ठीक है। तुम देखो, तुमने किसी को दी थी? है जी। नहीं, ठीक है, देखो याद करो, ये माचिस तुमने किसी को दी थी अभी हाल ही में? सर ये 1 हफ्ते पहले हमने कस्टमर को दिया था सर। दिया था? किसको दिया था ये? सर नाम तो मुझे पता नहीं। चेहरा याद है उसका? चेहरा मैडम से पूछ लिए सर, इन्हें के साथ तो आया था वो। मेरे साथ? ये टैटू देखिए, ये आपने बनाया? वन सेकेंड, मैं जब भी कोई खास टैटू बनाता हूं तो उसका फोटो मैं जरूर संभाल कर रखता हूं, और अगर मैंने ये टैटू बनाया है तो उसका फोटो जरूर खींच के रखा होगा। देखिए आप, ये रहा सर। ये तो बहुत बड़ा डिजाइन है। कौन आया था ये टैटू बनवाने? सर उसका नाम तो मुझे नहीं पता। चेहरा याद है? चेहरा मुझे याद है। क्या बकवास कर रहे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? मैं क्यों झूठ बोलूंगा मैडम। सर 1 हफ्ते पहले मैडम आई थी कैंडल लाइट डिनर के लिए, इन्हीं के साथ वो आदमी भी थे सर, मोमबत्ती जलाने के लिए। जैसे ही मैंने अपनी माचिस निकाली, उनको ही वो माचिस पसंद आ गई, और उन्होंने मुझसे मांगा। मेरे पास एक एक्स्ट्रा मैच बॉक्स और थी जो मैंने उनको दे दिया सर, इसके बदले उन्होंने मुझे एक अच्छी खासी टिप भी दी। मैं आज से पहले यहाँ कभी नहीं आई, जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो तुम। लेकिन मैडम मैं तो, जब मैम कह रही है कि नहीं आई तो नहीं आई होगी, बहस क्यों कर रही हो, जाओ यहाँ से। अच्छा लखन, ये बताओ कि जिस आदमी को तुमने ये मैच बॉक्स दिया था उसके हाथ में यहाँ पे टैटू था? हाथ पे टैटू याद नहीं है सर, लेकिन मैडम से पूछ ली, शायद इनको मालूम हो। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या, फालतू की बकवास कर रहे हो। रिलैक्स, हो सकता है इसने तुम्हारी तरह दिखने वाले किसी और लड़की को देखा होगा किसी के साथ, शायद इसलिए कह रहा है। लेकिन सर जब मैं कह रही हूँ कि मैं आज यहाँ पहली बार आ रही हूँ, फिर भी ये वही की वही बात किया जा रहा है। हम तुम्हारी बात पे विश्वास करते हैं, लेकिन अगर इसने उस आदमी को ये मैच बॉक्स दिया था तो ये हमारे लिए उसका स्केच बनवा सकता है। हाँ सर।
सर स्केच रेडी है। दोनों जगह एक ही आदमी? हाँ सर। जानती हो इसे? वरुण। वरुण श्रेया, तुम भी जानती हो इसे? हम तीनों कॉलेज के अच्छे फ्रेंड्स थे। श्रेया और वरुण में अच्छी दोस्ती थी। श्रेया, तुम वरुण के साथ होटल सीपल में क्यों गई थी? सर, मैं वरुण के साथ उस होटल में नहीं गई थी। सर, इनफैक्ट मैं तो वरुण से सालों से मिली भी नहीं हूँ। तुम फिर झूठ बोल रही हो। सच क्या श्रेया, वो बताओ। सर, झूठ मैं नहीं, झूठ ये वेटर बोल रहा है। सर, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैं तो इनको ठीक से जानता भी नहीं हूँ। वो तो आपने बोला था स्केच बनवाने के लिए, तो मैं यहाँ पे चला आया। एक मिनट श्रेया, तुम जरूर हमसे कुछ छुपा रही हो, क्या बात है? श्रेया, अगर तुम वाकई में अपनी सहेली दिव्या की मदद करना चाहती हो, सच सच बताओ, बात क्या है? सर, मेरा विश्वास कीजिए प्लीज, मैं सच कह रही हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये वेटर मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगा रहा है। चा, इस वरुण के घर जाओ और ब्यूरो लेकर आओ, पता चलेगा सच क्या है झूठ क्या है। वरुण, लगता है वरुण को इस फ्लावर वास से मारा है। फ्लावर वास? इसका मतलब खूनी ने इसके सर पे पीछे से वार किया इस फ्लावर वास से, और इसके माथे पे ये चोट लगी है, और ये चोट पुरानी लगती है। दिव्या ने बताया था जब वो घर से भाग रही थी तो उसने खूनी के सर पे, कहीं ये वही चोट तो नहीं है? पंकज, एक काम करो, घर में हर जगह चेक करो, दरवाजे पे खिड़कियों पे जितनी भी उंगली के निशान सब उठा लो। चलिए सर। सर, कॉलेज के वक्त वरुण और दिव्या ज्यादा बात भी नहीं करते थे, फिर वरुण दिव्या के घर वालों को क्यों मारेगा? श्रेया, ये देखो, ड्रैगन वाला टैटू जिसके बारे में दिव्या ने बताया था, तुम्हें इसके बारे में क्या कहना है? सर, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, वरुण ऐसा नहीं था। श्रेया, तुम कई सालों से वरुण से नहीं मिली हो, इतने सालों में इसके दिमाग में क्या चल रहा था ये तुम्हें पता नहीं है। कोई तो बात होगी जो तुम नहीं जानती, या फिर दिव्या भी नहीं जानती। लेकिन सर, वैसे भी श्रेया, दिव्या के पति और ससुराल वालों के बारे में हमने तहकीकात की है, उनका कोई दुश्मन नहीं था। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास उनके पूरे परिवार को मारने का कारण हो, और ये वरुण उतना शरीफ है नहीं जितना तुम समझती हो। फिर वरुण को किसने मारा सर? अब इस बात पे तो डॉक्टर सालों के ही रोशनी डाल सकते हैं। क्या हुआ सालों के साथ? आपने हमें यहां इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? कुछ टेंशन है? ये देखिए, ये नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है?
लेकिन ऐसा हुआ है दया, खिड़की पर जो खून से सने हुए फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो फिंगरप्रिंट्स श्रेया के ही हैं। और खिड़की पे जो खून मिला है वो भी श्रेया का है? वो खून वरुण का है। मतलब वरुण का खून हुआ तब श्रेया वहां पे थी? श्रेया का कहना है कि वो कई सालों से वरुण के घर गई नहीं है। सबूत तुम्हारे सामने है। श्रेया किसी का खून नहीं कर सकती सर। तारिका, हमारा काम भावनाओं में बहना नहीं है बल्कि सबूतों को समझना और समझाना है। और ये वास जो वरुण के घर से मिला, इस पे किसी की उंगलियों के निशान मिले क्या? नहीं अभिजीत, इस वास पर किसी की भी उंगलियों के निशान नहीं है। शायद साफ कर दी गई हूं, लेकिन जो खून इस वास पर लगा हुआ है वो खून वरुण का ही है। वरुण और श्रेया कॉलेज के पुराने दोस्त थे, पर श्रेया के पास कोई वजह नहीं थी वरुण का खून करने की। लेकिन दया, सच्चाई यही है कि खिड़की पर जो खून से भरे हुए फिंगरप्रिंट्स थे वो श्रेया के ही। और दिव्या के घर से जो खून से सना हुआ पत्थर मिला, इस पत्थर पे किसका खून है? वरुण का ही खून है। मतलब दिव्या की फैमिली का खून वरुण ने किया और वरुण को श्रेया ने मारा। हाँ अभिजीत, इसीलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को श्रेया को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, अभी ये नहीं हो सकता। अभिजीत, एसी की प्रद्युमन यहां पर नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को याद दिला देता हूं कि एक सीआईडी ऑफिसर के लिए मुजरिम सिर्फ मुजरिम होता है, चाहे वो आपका अपना हो चाहे कोई गैर। श्रेया की उंगलियों के निशान अगर वहां पर थे जहां पर वरुण की मौत हुई, तो इसका मतलब श्रेया वहां पर थी। ऐसी बात है डॉक्टर साहब, तो मैं भी आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। आपके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। आपके उंगलियों के निशान क्राइम सीन पर छोड़ दिए गए थे, जबकि आप निर्दोष थे। शायद आप भूल गए। नहीं, मैं कुछ भूला नहीं भैया, मैं सिर्फ आप लोगों को ये कह रहा हूं कि आप लोगों को श्रेया से अच्छी तरह से पूछताछ करनी चाहिए। हाँ करनी चाहिए, मैंने कहा मना किया? हमें श्रेया को यहां बुला लेना चाहिए था। दया सर का फोन? यस सर। श्रेया, तुम इस वक्त कहां पर? मैं घर पे हूं सर। क्या तुम अभी फॉरेंसिक लैब आ सकती हो? क्या बात है सर, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, तुम्हारा यहाँ इस वक्त होना जरूरी है। आपकी आवाज से लग रहा है जैसे कुछ टेंशन है, क्या हुआ सर? दरअसल खूनी के फिंगरप्रिंट्स किसी के साथ मैच हो गए और शायद वही खूनी है। फिंगरप्रिंट्स? सर खूनी कौन है? हाँ बताता हूँ, तुम फॉरेंसिक लैब में आ जाओ प्लीज। ठीक है सर, मैं अभी आती हूँ। वरुण के घर से हमें तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले। क्या हुआ श्रेया, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? देखो श्रेया, तुम्हारे चुप रहने का एक ही मतलब हो सकता है कि ये तुमने किया है। क्या किया है तुमने? चुप क्यों हो श्रेया, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। जवाब दो श्रेया। मैंने किया। क्या? मैंने वरुण का खून किया। श्रेया, तुम वरुण का खून कर ही नहीं सकती। तुम क्या कह रही? ये सच है सर, मैंने वरुण को मार डाला। श्रेया तुम ये क्या कह रही हो? तुम ऐसे क्यों कह रही हो? बताओ श्रेया, क्यों मारा तुमने वरुण को?
मैंने और वरुण ने मिलकर दिव्या के पति और सास ससुर को मार डाला। मैं तो इसे भी मार डालना चाहती थी, पर ये बच गए। आखिरी सबूत को खत्म करने के लिए मैंने वरुण को भी खत्म कर दिया। तुम झूठ बोल रही हो श्रेया। ये सच है सब। नहीं श्रेया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम इतने सारे लोगों का खून कर ही नहीं सकती। जब मैं खुद कह रही हूँ कि ये सारी हत्याएं मैंने की है, तो आप मान क्यों नहीं लेते? नहीं श्रेया, तुम झूठ बोल रही हो, है ना? अच्छा, तुम दिव्या का खून क्यों करना चाहती थी? दिव्या तो तुम्हारी सहेली है ना? मैं दिव्या से बदला लेना चाहती थी। इसने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया था। मैंने उसे खो दिया जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी। नहीं सर, श्रेया श्रेया ऐसा नहीं कर सकती है। जरूर कुछ और बात है, ये हमसे कुछ छुपा रही है ना? मैं धीरज से प्यार करती थी, मगर वो तो तुम्हें जाने लगा था। कितनी बार मैंने उसे समझाया कि तुमसे दूर चला जाए, मगर वो तो तुमसे रिश्ता तोड़ना ही नहीं चाहता था। उसका एक्सीडेंट हुआ तब मैं पूरी तरह से टूट गई थी। तभी मैंने ठान ली थी मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। श्रेया, तुम ये क्या कह रही हो? उसके बाद तो तुम मेंटल असाइलम चली गई थी ना ट्रीटमेंट के लिए। तुम्हें ये सब याद नहीं होगा दिव्या? मुझे सब याद है, सब याद है मुझे। उर्वी, ले जाओ श्रेया को यहां से। रुक जाओ श्रेया। तुम्हारा बैच और तुम्हारी गन। ये क्या कर रही हो तुम? उर्वी प्लीज मुझे जाने दो। देखो श्रेया, तुम बहुत गलत कर रही हो। मुझे मेरी गन वापस दो। उर्वी मेरे पीछे मत आ। श्रेया मुझे मेरी गन। श्रेया मेरी गन लेकर भाग गई। क्या? हाँ सर, उसने मुझे मारा और वो भाग गई। Damn it! इससे साफ जाहिर होता है कि ये सब श्रेया ने किया है। खून श्रेया ने किया। नहीं नहीं सर, अगर श्रेया ने सारे खून किए होते तो वो यहाँ ब्यूरो में क्यों आती? अपना जुर्म स्वीकार क्यों करती सर? हाँ सर, वो चुप भी रह सकती थी। क्यों चुप रहती अभिजीत? क्यों चुप रहती बताओ? उसने सोचा भी नहीं था कि उसके फिंगरप्रिंट मैच हो जाएंगे। जब सबूत उसके खिलाफ है तो उसे मानना ही पड़ा। लेकिन सर, अगर ये सारे खून उसने किए हैं तो वहीं से भाग सकती थी सर। उसका यहाँ ब्यूरो में आना और अपना जुर्म स्वीकार करना, सर उसने नहीं किया सर। दया नहीं, ये खून श्रेया ने ही किया है, उसी ने किया है, समझे? तो एसटीआई ऑफिसर कानून के साथ ऐसा खेल नहीं कर सकता। सारे पुलिस स्टेशन और चेक पोस्ट पे जाकर कहो
कि हमारी सीआईडी ऑफिसर श्रेया फरार है। सर जल्दी। ये क्या कर दिया श्रेया ने? उसको भागना नहीं चाहिए था। अभिजीत श्रेया बेकसूर है। अभिजीत, अगर श्रेया कई सालों से वरुण के घर गई नहीं है तो फिर उसके उसके फिंगरप्रिंट्स वहां खिड़की पे कहां से आए? हो सकता है कि किसी ने श्रेया के फिंगरप्रिंट्स क्राइम सीन पे प्लांट कर दिया। हाँ अभिजीत, यही हुआ है। तब तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि हाल ही में श्रेया कहां कहां गई थी और ऐसी कौन सी जगह है जहां से जहां पे उसने ये उंगलियों के निशान छोड़े होंगे और खूनी ने उसकी छाप ले ली होगी। करेक्ट। ओह नो। क्या अभिजीत, कुछ दिनों पहले श्रेया समय अनाथालय के एक चैरिटी शो में गई थी और वहां पे कुछ बच्चों ने मोम और मिट्टी के मॉडल्स बनाए थे। हाँ, श्रेया ने भी बनाए थे। फिर तो वहीं से खूनी ने श्रेया की उंगलियों के निशान उठाए। मैं काम करता हूँ, अनाथालय जाके पता करता हूँ। तब तक मैं वरुण के घर जाके देखता हूँ, शायद कोई सुराग मिल जाए। ओके। जितने भी मॉडल बने थे सबके सब यहीं पे हैं? हाँ, इसी कमरे में सारे रखवाए थे। मैम, आपको पूरा यकीन है? हाँ, फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं एक बार गिन लेती हूँ। कमाल है, मैंने तो यहाँ पर 25 मॉडल रखवाए थे, अभी सिर्फ 24 हैं। 24? तो फिर एक कहाँ गया? पता नहीं। देखिए, हमारी ये जानना बहुत जरूरी है कि वो मॉडल कौन लेके गया है। बड़ी अजीब बात है, लेकिन यहाँ तो परमिशन के बगैर कोई आता ही नहीं। आपके अलावा कोई और है जो यहाँ पे आता है? काम करो, वरुण के जूते लेके आओ, उससे मैच करके देखते हैं। पर सर, ये तो वरुण का घर है, वो दीवार फान के क्यों जाएगा? पंकज, हर एक एंगल को चेक करना पड़ता है, तुम बाद में समझ जाओगे। जूते ले आओ। सब, मैं तो गेट पे ड्यूटी देता हूँ, मुझे किसी क्ले मॉडल के बारे में कुछ पता नहीं। पता कैसे होगा, गेट पे रहते कहाँ? क्या कर रहे थे कमरे में, सो रहे थे? सर, एक क्ले मॉडल चोरी हो जाता है और इन्हें कुछ पता ही नहीं होता है। किसी को तो मिट्टी का मॉडल ले जाते हुए देखा होगा। नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं पता। I'm sorry सर, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हो गया। देखिए मैडम, चोरी तो हुई है, कोई तो है जिसने वो मिट्टी का मॉडल चुराया है। लेकिन सर, मिट्टी के मॉडल में किसी को क्या इंटरेस्ट हो सकता है? सर, मुझे लगता है वॉचमैन झूठ बोल रहा है, इसे ब्यूरो ले चलके अच्छे से पूछताछ करें। बेटा, सर ये तो भाग रहा है। दौड़ने की प्रैक्टिस चल रही है ना? सर, तो खड़े क्या, पकड़ो उसे। नहीं, वरुण का जूता मैच नहीं हो रहा है, काफी बड़ा है। इसका मतलब कोई तीसरा आदमी था जिसने या तो खून होते हुए देखा था या फिर उसने खुद खून किया है। फिर तीसरा आदमी कौन है जो यहां से दीवार ला के भागा है? सर, तो फिर श्रेया ने अपने सर पे इल्जाम क्यों ले लिया? भागने का बहुत शौक है? सब सब मैंने कुछ नहीं किया। सब कुछ नहीं किया तो भागा क्यों? वो मॉडल जिस पर श्रेया की उंगलियों के निशान थे किसने चुराया?
सब मैंने लिया था साहब, उसके लिए मुझे पैसे दिए थे, इसलिए मैंने वो क्ले मॉडल चुराया और उसको दे दिया। कौन कौन था वो? पता नहीं साहब, सच बोल रहा हूँ साहब। सच सच बता रहे हो वरना? साहब साहब, उसने काला लंबा कोट पहन रखा था और सर पे टोपी भी पहन रखी थी, मुंह कपड़े से ढक रखा था, आंखों पे चश्मा था साहब, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा साहब। और कुछ याद है उसके बारे में? हाँ साहब। मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो। आप मेरे ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? प्लीज मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। माफ कर दूं? मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। सीआईडी वालों को मेरा नाम बोलने से पहले इसका अंजाम सोच लेना चाहिए था तुझे। तब तो बड़ा सीना तान के मेरा नाम लिया तूने, और अब माफी मांग रहा है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो ये गलती तो फिर कभी नहीं करेगा, क्योंकि गलती करने के लिए तू बचेगा ही नहीं। गलती के लिए इतनी बड़ी सजा मत दो मैडम। तेरी वजह से सीआईडी अब मुझ पर शक कर रही है, इसकी सजा तो अब तुझे मिलेगी। क्या बात है सर? श्रेया, मुझे कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे पता चलता है कि वरुण के घर में तुम्हारे अलावा कोई और आदमी भी था, तो हो सकता है कि वरुण का खून उसी ने किया। ये सही नहीं है सर, वरुण का खून मैंने किया है, सारी हत्याएं मैंने की हैं। पता नहीं क्यों श्रेया, मेरा मन कहता है कि तुम बेकसूर हो। मैं बेकसूर नहीं हूँ सर, मैं अपने सारे गुनाह कबूल कर रही हूँ, खूनी मैं हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी के दबाव में आके ये सब कह रही है? अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सर मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि सारे खून मैंने किए, मैं ही खूनी हूँ, आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? मगर श्रेया, ये ठीक कह रही है। अभिषेक तुम यहाँ? हाँ मैं। अगर श्रेया कह रही है कि खून इसने किया है तो हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। कि तुम क्या कह रहे हो अभिषेक? तुम्हें श्रेया पे विश्वास नहीं? तुम इस पे शक कर रहे हो? कैसे विश्वास करूं? अगर ये बेकसूर है तो फिर भाग क्यों रही है? अब ये भागी क्यों, ये तो मेरी समझ में भी नहीं आया, लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ है। क्या बात है बेटे, तुम हमें क्या दिखाना चाहते हो? ऐसा है क्या इस सीढ़ी में? ते बस देखते जाओ, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं।
खूनी एक लड़की है। हाँ दया। सर। एक मिनट, श्रेया तुम्हें पूरा मौका दिया जाएगा। मैं चाहता हूँ तुम लोग एक और फुटेज देखो। क्या है उस फुटेज में? असली खूनी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि दिव्या को भी बुला लेते हैं, आखिर खूनी उसका और उसके परिवार वालों का भी तो गुनहगार है। पूर्वी, लोगों ने मुझे यहां क्यों बुलाया? एक फुटेज दिखाना है आपको। इस फुटेज को देखने के बाद सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाएगा असली गुनहगार कौन है। तुमने मुझसे मेरे प्यार को छीना है, खून कर डाला तुमने। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था। मारा गया वो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। लेकिन मैं एक दिन तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें। अब समझ में आया श्रेया, असली खूनी कौन है? लेकिन सर, धीरज की मौत एक एक्सीडेंट थी। नहीं, श्रेया ने ही धीरज को मारा था। खूनी है ये, खूनी। साइरो, श्रेया, आज तुम यहां से बाहर जिंदा नहीं जाओगी। तुम्हें मारने के लिए मैंने बहुत साल इंतजार किया है। दिव्या प्लीज, वो एक एक्सीडेंट था। मैं, तुम, धीरज एक मूवी देखने जा रहे थे और रास्ते में मुझे बहुत प्यास लगी थी। पानी की बोतल लेने के लिए धीरज गाड़ी से नीचे उतरा। मैं जैसे ही रास्ता क्रॉस करने गया तब एक ट्रक आ गया और उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मारा गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुमने उस दिन पानी नहीं मांगा होता तो वो एक्सीडेंट कभी नहीं होता और धीरज आज मेरे पास होता, जिंदा होता वो। लेकिन छह साल तक मैं सिर्फ और सिर्फ ये सोचती रही कि तुमसे बदला कैसे लूं। इसलिए मैं मेंटल असाइलम से ठीक होने के बाद ऑर्फेनेज रहने गई और वहां मैंने प्लान बनाया। बस तेरी थी तो सिर्फ एक मौके की और वो मौका मुझे मिल गया। बहुत हो गया दिव्या, तुम उसे एक एक्सीडेंट के लिए श्रेया को दोषी ठहरा नहीं सकते। खूनी तो तुम हो। श्रेया से बदला लेने के लिए तुमने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। चार लोगों को मारा है तुमने। नहीं, मैंने नहीं मारा, मैंने उन्हें मरवाया है। मुझे वेटर लखन, मैंने उसको अपने प्लान में शामिल कर लिया था। बस मेरे कहने पर ही उसने सारे खून किए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कोई औरत कैसे अपने पति और अपने परिवार वालों का खून करवा सकती है? जिस फिल्म को देख के तुम्हें ये आइडिया आया खून करने का, वो सीडी हमें मिल चुकी है। वरुण को क्यों मरवाया तुमने? क्योंकि वरुण ने एक बार धीरे से ये कहा था कि वो मुझे छोड़ दे, क्योंकि मैं एक पागल हूं। दिव्या, वरुण ने धीरज से ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। उसने सिर्फ इतना कहा था कि वो तुम्हें समझाए कि तुम अपने गुस्से पर काबू रखना सीखो। इस सब का तुमने कितना गलत मतलब निकाला। नहीं, मैं गलत नहीं हूं, तुम सब लोग गलत हो। गलत है पूरी दुनिया। आज मैं तुम्हें भी वरुण के पास पहुंचा दूंगी। नहीं, होश में आओ दिव्या, गन नीचे करो, गन लाओ मुझे। कभी नहीं,
कभी भी नहीं। श्रेया, छोड़ो। श्रेया, तुम ठीक हो? हाँ सर। प्लान तो अच्छा बनाया था तुमने, यहाँ तक कि श्रेया की उंगलियों के निशान उस मिट्टी के बर्तन से उठा के वरुण के घर पर रख दिए ताकि श्रेया फंस जाए। लेकिन सीआईडी की नजरों से असली गुनहगार कभी नहीं बचता, समझी दिव्या जी? श्रेया, तुमने पूरा इल्जाम अपने सर पे क्यों ले लिया? ज्यादा होशियारी मत करना, जैसा कहता वैसा करो वरना तुम्हारे माँ बाप को मैं उड़ा दूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराओ मत श्रेया, कुछ नहीं होगा तुम्हारे मम्मी पापा को। कहाँ छुपा के रखा तुमने श्रेया के मम्मी पापा को? कभी नहीं बताऊंगी, कभी नहीं। पूरी जिंदगी अफसोस होगा तुम्हें, सिर्फ अफसोस। शांत करो। क्या करें मैडम, श्रेया के मम्मी डैडी का आपने कहा था ना, अगर एक घंटे में आपका फोन नहीं आया तो आपको फोन करें। मैं आ रही हूँ। ओके मैडम। ट्रेस करो, पता करो ये मोबाइल नंबर कहाँ का है। चाकू रखे साइया, मार सके ना कोई। श्रेया के मम्मी डैडी को तो हम लोग बचा लेंगे, लेकिन तुम सड़ोगी जेल में, फांसी का ऑर्डर आने तक। पूर्वी ले जाओ इसे। सर, चलो। अभिजीत, तुम्हें इस दिव्या पे कैसे शक हुआ? दिव्या के ऊपर तो मुझे तभी शक हो गया था जब मैंने उस अनाथालय के वॉचमैन से पूछताछ की थी। उसकी आवाज अजीब सी थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बनावटी आवाज थी, आवाज बदल के बात कर रहा हो। सब उसके हाथ है ना एकदम पतले पतले थे, मतलब उंगलियां भी पतली पतली थी, ऐसा लग रहा था किसी लड़की का हाथ है। और ये वाली उंगली ना सब छोटी वाली उंगली, इसमें सोने की अंगूठी थी जो हरे पत्थर से जड़ी हुई थी। उसके बाद थोड़ी तहकीकात की तो सारी सच्चाई सामने आ गई। थैंक यू सर, आज आपकी वजह से। नहीं, इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये सब तो मैंने दया के लिए किया है। निकालो रुमाल, निकालो बांधो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.